गोंडा में पुलिस पर ग्रामीणों के साथ बर्बरता करने का आरोप लगा है। मामला कटहा माफी घोसियाना गांव का है, जहां पांडे चौकी के 3 पुलिसकर्मी जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने गए थे, लेकिन इस दौरान सादी वर्दी में छापेमारी करने गए 3 पुलिसकर्मियों पर जुआरियों ने हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों पर हमले की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने इस दौरान पूरे गांव में एक एक घर में घुसकर लोगों को पीटा। यहाँ पे मेरे यहाँ जबरदस्ती पुलिस वाले पीछे दरवाजा बंद था मेरा, तोड़ के लातों से मार कर घर में घुस गए। कह रहे तुमने 4 मुलजिम छुपाया, मेरे यहाँ कोई नहीं मौजूदा मिला। वो पुलिस वाले बताए मेरे यहाँ कोई मिला हो, क्यों जबरदस्ती का दरवाजा तोड़ के माँ बहन की गालियाँ दे के गए हैं। इतना ही नहीं, एक युवक के साथ पुलिस ने बर्बरता की हद कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर खेतों में लगे कंटीले तार पर घसीट दिया, जिससे उसकी एक आंख में लोहे का कंटीला तार घुस गया। जुआ के संबंध में पुलिस ने सादे वर्दी में कहीं यहाँ पर छापे मारा, उसके बावजूद वहाँ पर कुछ लोगों को उसकी कोई बात नहीं, पुलिस आती अगर कोई लोग जुआ खेल रहे थे उन्हें पकड़ना, उस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जितने बेगुनाह लोग थे उनको मारा और एक बच्चे को इतना मारा जो 20 साल का नौजवान है आसिक अली, कि हम अभी जिला अस्पताल से मिल के आए हैं, उसकी आँख बाहर निकल गई है, उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। अभी सारी महिलाएं बता रही थी कि पूरे गांव में घसकर पुलिस ने दरवाजे तोड़ करके अंदर जा करके लोगों को मारा है, पीटा है, महिलाओं को मारा पीटा है। ये बहुत ही घृणित काम है भाई, इस तरह से गालियां दी हैं भाई। अगर जो बच्चे जो लोग जुआ खेल रहे थे, पुलिस उन पर कानूनी कार्रवाई करती, विधिक कार्रवाई करती, ये उसका हक था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बिल्कुल बेरहमी से बेगुनाहों को रास्ता चलते हुए लोगों को मारा है, और जिसे एक विशेष एक नौजवान को जिसने अपनी एक आंख गांज गवा दी है पुलिस की मार में, हम इसकी निंदा करते हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इंसाफ दिया जाए। वहीं पुलिस और जुआरियों के बीच भिड़ंत में 4 पुलिसकर्मी के साथ युवक घायल हो गया। एएसपी ने कहा कि पुलिस जुआ खेलने की सूचना पर गांव में गई थी, जहां कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच सीओ को दे दी गई है। आज दोपहर पुलिस अपने गश्त पार्टी वहां कोतवाली नगर से कटरा माफी घुसियाना मोहल्ले में निकली थी, वहां पर उनको सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जुआरियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया, तो जुआरी और उनके सहयोगी पुलिस टीम पर हमलावर हो गए। उन्होंने मजामत की, तो अतिरिक्त बल जब कोतवाली नगर से पहुंचा वहां पर, तो जुआरियों में भगदड़ मच गई और कुछ को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और ये ऐसा बताया गया है कि एक उन्हीं जुआरियों में से एक पुलिस टीम को देखकर भागा और एक कटीले तार पर गिर गया, जिससे उसे आँख के पास चोट आई है, ऐसा बताया गया है, और जो खतरे से बाहर है और उपचार उसका उसके परिवार जन करा रहे हैं। बाकी जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ करके अभी पंजीकृत किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सीओ सदर से कराई जा रही है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच करके वैधानिक कार्रवाई की। फिलहाल एएसपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए और जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद शर्मा की रिपोर्ट।